नर्सरी पर या फिर ऑनलाइन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली आते हैं, यानी कि बहुत महंगे, 200 प्लस यानी कि 250-300 रुपए में मिलते हैं। ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं पर हम उनको फ्री में उगा सकते हैं। जैसे कि कुछ प्लांट की हमें कटिंग मिल जाती है या फिर कहीं से बल्ब मिल जाए, तो ऐसे ही एक प्लांट है जो कि काफ़ी कॉस्टली आता है और काफ़ी लंबे टाइम से था मुझे कि मैं भी इसको फ्री में ऐड करूँ। जैसे कि आप ये रोज प्लांट देख रहे हैं, इसको मैंने कटिंग से लगाया था और आज इसमें फ्लावर भी खिल गया है, तो सोचा कि आपसे शेयर कर दिया जाए। और ये लगभग मैंने 2 महीने पहले ग्रो करा था और आपको इसकी वीडियो भी शेयर करी हुई है। पर आज मैं जिस प्लांट की बात करने वाली हूँ वो दूसरा प्लांट है। इसका मुझे लंबे टाइम से था कि एक प्लांट मेरे पास भी ऐसा होना चाहिए। तो ये प्लांट काफ़ी कॉस्टली मिलता है बट मैंने इसको फ्री में यानी कि एक भी पैसा इस पर खर्च नहीं करा है और अपने गार्डन में ऐड कर लिया है। तो चलिए देखते हैं कौन सा प्लांट है वो। तो आपके सामने है ये प्लांट जिसको मैंने फ्री में ऐड करा है। ये है वाटर लिली, जिसे कुमुदिनी के नाम से भी जाना जाता है। तो मुझे काफ़ी लंबे टाइम से था कि कोई ऐसा प्लांट मेरे पास भी हो जो पानी में उगता हो। तो आप देख सकते हैं कि अगर इस प्लांट में फ्लावरिंग ना भी हो तो भी ये काफ़ी खूबसूरत लगता है। और देखिए इसमें इस तरीके के फ्लावर्स आते हैं, वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। काफ़ी सारे कलर्स आते हैं जैसे कि पर्पल, पिंक, वाइट, येल्लो। तो इसको मैंने ग्रो कराया है एंड ग्रो करने का पूरा प्रोसेस शेयर कराया है और कैसे मैंने इसको फ्री में उगाया है। और साथ ही मैंने देखिए इसमें कुछ लोटस के भी अभी बीज डाल दिए हैं कि वो भी ग्रो कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे बीज रखे थे ये भी फ्री में। तो थोड़ी सी आपको इसकी जो पत्तियाँ हैं ना ये डल सी लग रही है क्योंकि मैं इसको 2 दिन पानी देना भूल गई थी, ये मैंने टेरेस पे ही रखा हुआ है। तो देखिए ये कुमुदिनी का बल्ब है जो कि फ्री में मुझे मिला। कैसे ये इसके जो बल्ब होते हैं ना एडिबल भी होते हैं, यानी कि खाने योग्य, और कहीं कहीं इसको खाया भी जाता है और कई सारी चीज़ों में यूज़ भी होता है। तो ये मेरे गांव से काफ़ी सारे आए थे इसके जो बल्ब, और इसे सरकी भी बोला जाता है। तो काफ़ी सारे ये ओल्ड बल्ब थे तो मुझे आइडिया नहीं था कि ये ग्रो हो जाएंगे। तो ऐसे ही एज ए एक्सपेरिमेंट मैंने कुछ 2 बल्ब ला करके एक पॉट पे रखा और उनको ग्रो करना भूल गई। तो जैसे ही बारिश पड़ी और मैंने 3 दिन बाद देखा कि उनमें थोड़ी सी हल्की हल्की ग्रोथ होनी नज़र आने लगी मुझे, तो मैंने उन बल्ब को पानी में डाल दिया और फिर उनका पानी चेंज करती रही जैसे कि हम चेंज करते हैं नॉर्मली लोटस की जो बीज होते हैं उनको भी ग्रो करते हैं। तो ये मैंने बीच में फिर कुछ क्लिप नहीं बनाई, और बनाई भी तो मेमोरी फिल होने की वजह से वो डिलीट हो गई। तो ये 1 महीने बाद का प्रोसेस है, यानी कि जो मैंने पहले आपको दिखाया था वो 5 दिन बाद का प्रोसेस था। बीज जब मैंने इसकी जो बल्ब थी वो पानी में डाला था तो 5 दिन बाद उसमें ग्रोथ चालू हो गई थी काफ़ी अच्छी। तो अब हमें इसे लगाना कैसे, इसके लिए देखिए हमें 2 टब लेने पड़ेंगे या फिर पॉट ले सकते हैं। यहाँ पे 2 मैंने इसलिए लिया है क्योंकि अगर हम 2 लेंगे, एक बहुत बड़ा और एक थोड़ा सा छोटा जो हमें इस बड़े पॉट के अंदर डालना है, तो सफाई करना थोड़ा सा आसान रहता है और पानी जो हमारा है वो साफ रहता है। जब भी हम इसमें पानी डालेंगे तो पानी हमारा गंदा नहीं होगा। और एक बात और यहाँ पर मैं शेयर करना चाहूँगी कि इसे मैंने नॉर्मल मिट्टी में ग्रो करा है, जो मिट्टी हम जिसमें हम बाकी सारे प्लांट्स लगाते हैं ना नॉर्मल, जैसे कि रेत और नॉर्मल मिट्टी होती है उसे मैंने इसको ग्रो करा है, क्योंकि मेरे पास चिकनी मिट्टी नहीं थी। क्योंकि बहुत पहले नर्सरी के प्लांट लाते हैं तो वो स्टोर करके रखना काफ़ी मुश्किल होता है, तो आइडिया नहीं था कि ये ग्रो हो जाएगा या फिर मैं इसे ग्रो करूँगी। और देखिए जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ कि 1 महीने बाद इसमें एक और बेबी प्लांट भी निकलने लगा है। चाहूँ तो मैं अभी इसे सेपरेट करके अलग अलग लगा सकती हूँ पर मैं इसे एक ही जगह लगा रही हूँ। तो ये 1 महीने बाद का है जब मैंने पानी में डाला था और हर 2-3 दिन इसका पानी चेंज करती रहती थी। आप 4-5 दिन में पानी चेंज कर सकते हैं आराम से, और 1 महीने के अंदर देखें कि आप इसमें कितनी जड़ें बन गई हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बता दिया कि मिट्टी मैंने नॉर्मल मिट्टी ली है, जो बाकी हम सारे पॉट के लिए लेते हैं नॉर्मल गार्डन सॉइल, और थोड़ा सा जो सैंड होता है वो मिला हुआ था इसमें, और कंपोस्ट में मैंने गोबर की खाद इसमें पहले ही मिला के मिट्टी में रख रखा था, तो वही नॉर्मल मिट्टी मैंने इसमें डाल दी है। और ये जो छोटा वाला टब है ये लगभग होगा 4 इंच का गहरा होगा, और चौड़ाई की बात करें तो 12-13 इंच ये चौड़ा होगा। तो इसमें देखिए बल्ब को मैंने डाल दिया, बहुत ज़्यादा गहराई तक आपको बल्ब को नहीं डालना है। ऐसा हम इसलिए करते हैं एक छोटे टब के अंदर क्योंकि जब हम इसको बड़े टब के अंदर डालते हैं तो पानी जो होता है ना वो हमारा गंदा नहीं होता, और जो सफाई करना वो आसान हो जाता है क्योंकि हम इस छोटे वाले जो टब है उसको बड़े वाले टब से आसानी से निकाल के जो ये बड़ा वाला टब है उसको साफ कर सकते हैं इस तरीके से। तो रख के मैंने पहले चेक कर लिया था कि ये जो छोटा वाला हमारा टब है, यानी कि आप इसकी जगह पॉट को भी ले सकते हैं, पर आपको ये ध्यान रखना है कि आपको इसमें टब में या फिर पॉट में जो इसमें भी आप ग्रो कर रहे हैं नीचे हॉल करना नहीं है, क्योंकि हमें इसमें पानी फिल करना है, यानी कि पानी हमें रखना है इसमें। तो इस तरीके से मैंने करके देख लिया था, ये थोड़ा सा गहरा कम था ये वाला जो पॉट था,
तो फर्स्ट टाइम मैंने एक्सपीरियंस लिया है वाटर लिली का, यानी कि कुमुदिनी का। अगर ग्रो करने की बात करें तो आप इसको बीज से, बल्ब से और राइजोम से, तीनों चीज़ों से ग्रो कर सकते हैं। बीज से ग्रो करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, और बल्ब से ग्रो करेंगे तो बल्ब अगर मैच्योर है तो कम टाइम में ब्लूमिंग होने लगती है, और बल्ब थोड़ा सा छोटा है तो उसी तरीके से टाइम ज़्यादा ले लेता है। और राइजोम से अगर आप ग्रो करेंगे तो काफ़ी जल्दी इसमें ब्लूमिंग देखने को मिल जाती है। एंड ग्रो करने की बात करें तो आप इसको स्प्रिंग टाइम से अक्टूबर तक, यानी कि फरवरी मार्च से अक्टूबर तक ग्रो कर सकते हैं। और ब्लूमिंग की बात करें तो जून से लेकर इसमें अक्टूबर तक फ्लॉरिंग होती रहती है। कुमुदिनी के फूल काफ़ी खूबसूरत लगते हैं देखने में। तो देखिए इस तरीके से टब में मैंने लगा करके, और जो छोटा टब था उसको बड़े टब के अंदर डाल दिया है, और पानी इस तरीके से डाल दिया है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है ना कि जब हम कोई पानी वाला प्लांट उगाते हैं तो मच्छर उसमें पनपते हैं। जैसे कि अभी बारिश का टाइम था जब मैंने इसको ग्रो करा था, मैंने बल्ब को लगाया था कुछ अगस्त में, 7-8 अगस्त के आसपास, और फिर मैंने आपको एक महीने बाद का रिजल्ट शेयर करा था। और अभी इस तरीके से मिट्टी में लगाने के बाद, इसके बाद का यानी कि एक और महीने बाद का, पूरे 2 महीने का रिजल्ट मैंने आपसे शेयर करा हुआ है। तो अब ये देखिए 1 महीना और हो चुका है जब मैंने इसको लगा दिया था, और आपको थोड़ा सा पानी धुंधला इसलिए लग रहा होगा क्योंकि जब भी मैं इसमें पानी डालती हूँ तो उसको पूरा ओवरफ्लो कर देती हूँ, यानी कि पूरा बहने देती हूँ टब से, ताकि इसमें मच्छर वगैरह ना पनपे। अगर थोड़ा बहुत पनपे भी हों तो वो बाहर निकल जाए पानी के साथ ही। और आप एक काम और कर सकते हैं, अभी जैसे मैंने आपको ये 2 बीज दिखाया कमल के, तो काफ़ी सारे मेरे पास कमल के बीज भी रखे थे जो कि गाँव से ही आए थे। कमल के बीज का भी खाने में यूज़ किया जाता है, एंड इसकी भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं किचन में। तो बहुत सारे बीज रखे थे तो मैंने 2 ही बीज ऐसे हल्का सा घिस करके इसी टब में डाल दिया था, और ये देख सकते हैं आप इसमें अच्छे से इनमें रोट्स भी नीचे बनने लगे हैं। तो अभी इसी टब में लगा दे रही हूँ क्योंकि मेरे पास अभी कोई बहुत बड़ा टब नहीं है। और इस बड़े वाले टब की बात करें तो ये 6 इंच गहरा है और लगभग 18 इंच तक चौड़ा होगा, तो आप इतने चौड़े और गहरे पॉट का ले सकते हैं, पॉट ले सकते हैं, यानी कि टब कम से कम वो 6 से 8 इंच का लंबा हो और 18 से 22 इंच के आसपास चौड़ा हो, तो इसमें ब्लूमिंग स्टार्ट होने लग जाती है। तो मैंने जो इसमें सॉइल मिक्सचर बनाया था नीचे, फिर उसके बाद मैंने थोड़े से कंपोस्ट और डाल दिया था ताकि इसमें अच्छी ब्लूमिंग होती रहे। तो इस तरीके से देखिए अब काफ़ी अच्छा लग रहा है कि मेरे पास एक प्रीमियम प्लांट तैयार हो गया है। अभी इसमें ब्लूमिंग इस बार नहीं होगी मे बी, क्योंकि अभी मैंने इसको ग्रो करा है अगस्त में, और इसमें ब्लूमिंग नेक्स्ट ईयर होगी तो आपसे शेयर करूंगी। पर मुझे ये ग्रो करना था क्योंकि ये प्लांट मैंने जब सभी के पास देखे थे टब में तो काफ़ी खूबसूरत लगते हैं देखिए इस तरीके से। अब आप यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, आप इसके अंदर छोटी छोटी सी या कलरफुल मछलियाँ भी डाल सकते हैं ताकि इस पर मच्छर वगैरह ना पनपे। और नहीं तो आप एक काम कर सकते हैं इस तरीके से, देखिए छन्नी वगैरह ले सकते हैं जो वेस्ट ख़राब छन्नी आपके पास हो, और जो 3-4 दिन बाद या 1 वीक में जब भी आपके पास टाइम हो तो ऊपर से आप इसको ऐसा हल्का सा करेंगे तो जो मच्छर के लार्वा होते हैं वो सब निकल जाते हैं इस छन्नी से। ऐसा मैंने कभी किसी वीडियो में देखा था, तो आप ऐसा कर सकते हैं जो आपका ये टब है इसके पानी को साफ करने के लिए। और जो छोटा टब हमने इसको डाला है, इसमें डाला है, उसको निकाल करके आप पानी को भी चेंज कर सकते हैं 1-2 महीने में जब भी आपको टाइम लगे। तो इस तरीके से देखिए मैंने ये फ्री में ग्रो कर लिया है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब ये 2 महीने का रिजल्ट है, तो आप फ्री में इसको ला सकते हैं। एंड ऑनलाइन अगर आप बाय करेंगे तो काफ़ी कॉस्टली मिलते हैं जो वाटर लिली के प्लांट होते हैं। तो मैं कभी इसके प्लांट भी मंगाऊंगी गांव से, क्योंकि हमारे गांव में ये जो तालाब वगैरह हैं उनमें ये प्लांट देखने को मिल जाते हैं आसानी से। तो ये मुझे शेयर करना था कि अगर आपके पास ये बल्ब है या कहीं आप पॉन्ड वगैरह में देखें तो इनको ला करके आराम से इजिली टब वगैरह में ग्रो कर सकते हैं। तो देखिए ये 2 महीने का रिजल्ट और काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला है, और मुझे था भी नहीं कि ये ग्रो हो जाएगा। कहते हैं ना कुदरत बहुत अच्छी चीज़ होती है, तो ये बस मैंने ना बल्ब ला करके, क्योंकि बहुत पुराने बल्ब थे तो मुझे लगा शायद नहीं ग्रो होंगे, तो उनको ला करके मैंने किसी पॉट की मिट्टी पर रख दिया था। और बारिश हुई अपने आप उनमें, जब मुझे जर्मिनेशन दिखा तब मैंने उनको एक प्लास्टिक की डिब्बे में डाल दिया और उनका पानी चेंज करती रही, वो अपने आप जर्मिनेट होते रहे। तो बस यही आपको ध्यान रखना होता है। और इसमें जो पत्तियां वगैरह सूख रही हैं, पीली पड़ रही हैं, आप उनको हटाते रहें टाइम टू टाइम, और छन्नी से इसका जो लावा वगैरह है उसको साफ़ करते रहें, और मछलियां इसमें डाल सकते हैं। तो अभी मैंने डाली नहीं है क्योंकि मैं इसको फर्स्ट टाइम ग्रो कर रही हूँ, जब टाइम मिलेगा तो वो भी काम करूँगी। तो इस तरीके से ये एक महंगा पौधा मैंने फ्री में अपने गार्डन में ऐड कर लिया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, हैंडओवर करते रहिएगा टू अचीव योर गोल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।